नमस्ते दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं का जो तीसरा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन के बारे में। और केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने केमिकल रिएक्शन के टाइप होते हैं और वो किस प्रकार से डिस्टिंग्विश होते हैं और कौन से रिएक्शन उसके अंदर है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आपके पास होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पर उससे पहले हम लोग देखेंगे कि किसके आधार पे हमने इसको नाम दिया है और टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन किसके आधार पे बताए जाते हैं। सबसे पहला आपका आधार होता है नेचर, कि वो जो रिएक्टेंट है उसका नेचर क्या होता है। दूसरा आधार होता है आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट। अब सवाल आपके पास ये होगा कि सर हमें ये बताइए कि आपके पास रिएक्टेंट क्या है, तो उसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपने लिखा है आपके पास HCl प्लस आपने लिखा है NaOH, आपको ये क्या देगा बेटा जी? आपको ये देगा, इसका चार्ज है H प्लस, इसका चार्ज है Cl माइनस, इसका चार्ज है Na प्लस, इसका चार्ज है आपके पास OH माइनस, प्लस जाएगा माइनस के पास, प्लस जाएगा माइनस के पास, तो ये आपको देने वाला है NaCl प्लस आपके पास है H2O। तो जो बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, जो आपके पास राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं बच्चों जी प्रोडक्ट। तो इसके अनुसार हमारे पास जो पहला है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का सरल अर्थ हो जाता है कंबाइंड करना, हम लोग कंबाइंड करने वाले हैं। जैसे कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक आपके पास अगर रिएक्टेंट है, अगर वो कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे लेने वाले हैं आपके पास NH3 जिसे हम कहते हैं अमोनिया, प्लस हम लोग लेंगे यहाँ पे HCl, और यहाँ पे ये लिखना आवश्यक है कि ये गैस है और यहाँ पे ये भी आपके पास गैस है। तो बेटा जी आपने इसको देखा ही होगा कि देखिएगा अमोनिया जो है NH3 वो एक रिएक्टेंट है, और जो आपके पास HCl है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो है आपका दूसरा रिएक्टेंट। यहाँ पे हमने प्लस साइन दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बन जाता है। आपके पास है बेटा जी NH3, ये आपके पास है H प्लस, ये आपके पास है Cl माइनस। सो आगे जाकर H प्लस इनसे मिल जाता है तो ये बन जाते हैं आपके पास NH4 प्लस, और इनका नाम है आपके पास अमोनियम आयन। क्या नाम है बेटा जी? अमोनियम आयन। और आपके पास है Cl माइनस, एक प्लस एक माइनस बॉन्ड बनाते हैं और आपके पास बन जाएगा यहाँ पे NH4Cl। आपके पास बनेगा बच्चों NH4Cl, ये है आपके पास अमोनिया और ये आपके पास क्लोराइड, तो आपके पास नाम बनेगा
बेटा जी आपके पास नाम बनेगा अमोनियम क्लोराइड। सो बेटा जी आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे और आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो आपके पास एक बना है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी इसके बाद हम लेंगे आपका दूसरा रिएक्शन जो आपके पास होगा। बेटा जी जो आपके पास होगा मैग्नीशियम हम ऐड करेंगे ऑक्साइड के साथ और ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए बेटा जी आपके पास ये 2Mg प्लस आपके पास है ये O2। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक रिएक्टेंट है और ये आपके पास बेटा जी दूसरा रिएक्टेंट है। ये आपके पास हो जाता है Mg प्लस प्लस, ये आपके पास हो जाता है Mg प्लस प्लस और आपके पास है ये ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बॉन्ड को हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो ये बन जाता है माइनस, ये बन जाता है आपके पास माइनस। और कुल मिला के जब ये दो बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि आपके पास ये एक माइनस नहीं है, आपके पास ये होता है दो माइनस, तो आपके पास ये दो प्लस और दो माइनस आपके पास बनाने वाले हैं MgO। यहाँ पे भी आपके पास ये दो प्लस और दो माइनस आपके पास बनाने वाले हैं MgO। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2MgO। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं आपके पास है दो रिएक्टेंट और आपके पास है सिंगल प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड हुआ तो आपके पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हमने दो रिएक्शंस को इसमें कवर किया है ताकि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ सकें। उम्मीद हम करते हैं कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा होगा और इसी प्रकार से हम लोग इसके आगे के लेक्चर में डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं।